देखो, पिछले कुछ सालों से इंडिया में एसयूवी कारों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है और इस डिमांड के साथ बहुत सारे कारों के ऊपर वेटिंग पीरियड भी बढ़ रहा है। और इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट ऐसा है जहां पर कारों की काफी ज्यादा बिक्री होती है। इस सेगमेंट को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इस सेगमेंट में जितनी भी कारें आती है इनकी कीमत कम रहती है, फीचर्स अच्छे खासे प्रोवाइड करती है कार कंपनियां, और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि किस कार के साथ जाए क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा टफ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन पांच कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनमें से एक कार को आप पिक कर सकते हैं, और यहां पर मैंने बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों को सिलेक्ट किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको वेरिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, और उस वेरिएंट को लेने के लिए आपको ऑन रोड कितने पैसे देने पड़ेंगे उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आउट मत कर देना, एंड तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जो फर्स्ट पोजीशन पर कार को मैंने रखा है जो कि इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार है, वो है टाटा की नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन को आज के डेट में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, पसंद भी क्यों ना किया जाए। इस कार को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, इसका लुक भी काफी बेहतरीन है, इस कार का रोड प्रेजेंस काफी अच्छा खासा है, और इस कार के इंटीरियर में भाई काफी लाजवाब फीचर्स टाटा ने ऑफर करे हैं। आज के डेट में टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको अलग अलग एडिशन ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि जेट एडिशन मॉडल हो गया, इसको रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा डार्क एडिशन मॉडल, काजीरंगा एडिशन मॉडल, तो यहाँ पर आपको अलग अलग एडिशन मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे, और हर एक एडिशन मॉडल के अंदर टाटा ने काफी स्पेसिफिक फीचर्स को इंक्लूड किया है, तो ये भी काफी बढ़िया बात है। लेकिन अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो नेक्सॉन के अंदर आपको एक पेट्रोल और एक डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, और दोनों ही इंजन अच्छे खासी पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ड्राइविंग के हिसाब से टाटा नेक्सॉन आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, और नेक्सॉन 16 से लेकर 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। ये माइलेज एआरआई ने क्लेम किया है, इन रियलिटी लोगों को माइलेज ज्यादा भी मिलता होगा या फिर कम भी मिलता होगा। लेकिन टाटा नेक्सॉन की कीमत स्टार्ट होती है 7,70,000 रुपीज से बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस, और नेक्सॉन का टॉप मॉडल 14,18,000 रुपीस तक चला जाता है। तो ये एक शोरूम प्राइस मैंने आपको बताई है, लेकिन आपका बजट 10 लाख रुपए के अंदर है और आपको टाटा नेक्सॉन को परचेस करना है तो आप इसका XM मॉडल खरीद सकते हैं जो कि है सेकंड बेस वेरिएंट, और इस सेकंड बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 9,76,000 रुपीस। यहाँ पर आपको पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, लेकिन डीजल इंजन अगर आपको लेना है तो आपको 11 लाख रुपए के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे। डीजल में जो बेस वेरिएंट आता है नेक्सॉन का, उसकी कीमत 11,39,000 रुपीस तक चली जाती है। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है, हालांकि ऑन रोड प्राइस आपकी सिटी के हिसाब से ऊपर या फिर नीचे हो सकती है। तो अगर आपको आने वाले समय में एक अच्छी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेनी है तो आप टाटा नेक्सॉन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कार के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उसी वजह से ये कार इंडिया की नंबर 1 सेलिंग एसयूवी कार बन चुकी है। जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको आप खरीद सकते हैं वो है रेनॉल्ट की काइगर। ये भी एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है, और इस कार को सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कार की हाइट थोड़ी सी कम है, उसी वजह से रोड पर यह कार थोड़ी सी छोटी लगती है, लेकिन इस कार का फ्रंट का फीचर, रियर का फीचर दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। इस कार के इंटीरियर में भी काफी बेहतरीन फीचर्स इंक्लूड करे हैं, और आपको एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस कार का पेट्रोल इंजन लगभग 98 bhp की पावर आउटपुट और 152 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। हालांकि यह कार अच्छा खासा माइलेज दे देती है, लगभग आपको 20 के आसपास माइलेज मिलने वाला है। तो रेनॉल्ट के काइगर को भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, और इस कार को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 5,99,000 रुपीज बेस मॉडल की ये एक्सशोरूम प्राइस है, और इस कार का टॉप मॉडल 10,62,000 रुपीज तक चला जाता है। अगर 10 लाख के बजट में आपको रेनॉल्ट काइगर को परचेस करना है तो आप इसका RXZ ड्यूल टोन वाला मॉडल परचेस कर सकते हो। इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 9,73,000 रुपीज। लेकिन बहुत सारे लोग इस कार का RXZ मॉडल परचेस करते हैं जो कि है इसका बेस सेलिंग मॉडल, और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 9,47,000 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर आपका बजट 7 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में है और आपको रेनॉल्ट काइगर लेनी है तो आप इस कार का बेस मॉडल खरीद सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसके सेकंड बेस मॉडल के साथ भी जा सकते हैं। आपको इन दोनों ही मॉडल की कीमत 7 लाख से लेकर 8 लाख के रेंज में देखने को मिल जाएगी। जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो है हुंडई वेन्यू। इस कार का फ्रंट का फीचर भाई मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और इस कार का लाइटिंग सेटअप नेक्स्ट लेवल है। इसके रियर में जो LED टेल लाइट का सेटअप दिया है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, वो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव
सकती है। हुंडई वेन्यू के अंदर आपको दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस कार के अंदर आपको IMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलने वाला है। IMT ट्रांसमिशन वही होता है जिसके अंदर आपको क्लच का ऑप्शन नहीं मिलता। जितने भी लोग नई नई कार सीखते हैं उनको क्लच दबाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और ट्रैफिक के अंदर गाड़ी बंद हो जाती है तो उस केस के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हुंडई कंपनी ने IMD ट्रांसमिशन को इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो कि नया नया कार सीखा है और उनको कार लेनी है होम टू ऑफिस और ऑफिस टू होम और बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है तो उस केस में आपको हुंडई वेन्यू को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। इसका IMD ट्रांसमिशन उस केस में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन हुंडई वेन्यू के अंदर आपको ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए तो आप इसका इनलाइन मॉडल भी खरीद सकते हैं। रिसेंटली इसका इनलाइन मॉडल भी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। 10 लाख रुपए के अंदर आप हुंडई वेन्यू का S मॉडल परचेस कर सकते हैं और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 9,83,000 रुपीज। जो फोर्थ नंबर की कार आती है जो कि ड्राइविंग के काफी ज्यादा मजे देती है वो है महिंद्रा के XUV300। रिसेंटली XUV300 का टर्बो स्पोर्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था जिसके अंदर आपको नया टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। ये इंजन 131 BHP की पावर आउटपुट और 230 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। हालांकि XUV300 के बाकी इंजन भी अच्छे खासे पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेते हैं और ड्राइविंग के हिसाब से ये कार काफी बेहतरीन मानी जाती है। तो आने वाले समय में आपको ड्राइविंग के मजे लेने हैं, ड्राइविंग का फील लेना है तो आप XUV300 को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इस कार में आपको उतने एडवांस लेवल के फीचर्स नहीं मिलेंगे जितने कि हुंडई वेन्यू के अंदर दिए जाते हैं, नेक्सॉन के अंदर दिए जाते हैं। कंपिटिटर कारों के अंदर जो एडवांस लेवल के फीचर्स मिलते हैं वो चीजें आपको यहाँ पर XUV300 के अंदर नहीं मिलने वाली। 10 लाख के बजट में आप इसका बेस मॉडल खरीद सकते हैं पेट्रोल इंजन के साथ और आपको देने पड़ेंगे 9,40,000 रुपीज। लेकिन आपको डीजल इंजन लेना है XUV300 का तो आप इसका W4 मॉडल परचेस कर सकते हो। इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 10,86,000 रुपीज। तो यहाँ पर आपको आपका बजट स्लाइटली बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको XUV300 के अंदर बहुत ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए, आपको इसका टर्बो स्पोर्ट मॉडल परचेस करना है जिसको रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है, तो आप इसका W6 मॉडल परचेस कर सकते हो टर्बो स्पोर्ट इंजन के साथ और इस मॉडल को खरीदने के लिए 11,92,000 रुपीज। तो ड्राइविंग के मजे लेने के लिए ये कार मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूंगा, लेकिन फीचर के हिसाब से ये कार आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है। लेकिन जो लास्ट नंबर की कार आती है जिसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है वो है मारुति सुजुकी ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल। रिसेंटली मारुति सुजुकी ने ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था और इस कार के ऊपर आपको लगभग 6 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेजा की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ब्रेजा के बेस मॉडल से ही काफी बेहतरीन फीचर्स को इंक्लूड किया है। इसका फ्रंट का फीचर काफी बेहतरीन है और रियर से ये कार दिखने में रेंज रोवर जैसे ही लगती है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ब्रेजा को रेंज रोवर जैसा ही कन्वर्ट किया है, कुछ इमेजेस या फिर फोटोज में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। तो 2022 में आप ब्रेजा को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इस कार के ऊपर आपको 6 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। ब्रेजा की कीमत स्टार्ट होती है 7,99,000 रुपीज से और इसका टॉप मॉडल 13,96,000 रुपीज तक चला जाता है। लेकिन 10 लाख रुपए के बजट में आप इसका बेस मॉडल खरीद सकते हैं जो कि है एलेक्साई। एलेक्साई मॉडल को खरीदने के लिए आपको 9 लाख रुपीज देने पड़ेंगे, ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। और अगर आपका बजट स्लाइटली ज्यादा है तो आप इसका सेकंड बेस मॉडल भी खरीद सकते हैं जो कि है VXI। VXI मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 10,60,000 रुपीज। तो 10 लाख के अंदर आपको इसका बेस मॉडल मिल जाएगा और आप अपना बजट बढ़ा सकते हो तो इसका आपको सेकंड बेस मॉडल मिल सकता है। तो 2022 में आप आग बनकर ब्रेजा को खरीद सकते हैं, ये कार काफी बेहतरीन है। तो ये 5 कॉम्पैक्ट SUV कार थी, इनमें से फर्स्ट पोजीशन पर मैं टाटा नेक्सॉन को रखना चाहूंगा, सेकंड पोजीशन पर मैं ब्रेजा को रखना चाहूंगा, थर्ड पोजीशन पर मैं वेन्यू को रखना चाहूंगा, उसके बाद XUV300 और रेनॉल्ट काइगर को रखना चाहूंगा। इनमें से कौन सी कार आपको सबसे अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अब भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना।